अ मैग्नेटिक डायपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मोमेंट यहां पर मिसिंग है, मतलब एम का वैल्यू हमें यहां पर दिया हुआ है 1.44 एम्पियर मीटर स्क्वायर, प्लेस्ड हॉरिजेंटली विद द नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। इसका नॉर्थ पोल जो है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी वो बेसिकली कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। ठीक है, इधर से बाहर निकलती हुई और इधर से वापस अंदर आती हुई। हमसे क्या पूछ रहा है यहां पर ये, नॉर्थ पोल फाइंड द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट इफ द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 18 माइक्रो टेस्ला। अच्छा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बेसिकली होनी चाहिए कुछ इस तरीके की। ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, हमसे न्यूट्रल पॉइंट पूछा है, तो न्यूट्रल पॉइंट बेसिकली वहां होंगे जहां पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और इस डायपोल की मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगी, मतलब या तो इस जगह पर या फिर इस जगह पर। पर अगर यहां पर करें तो यहां पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे और यहां पर भी ये दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब बेसिकली इसकी एक्सियल पोजिशन पर हमारी न्यूट्रल पॉइंट आ सकता है। तो अगर एक्सियल पोजिशन के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊं तो एक्सियल पोजिशन के लिए फॉर्मूला लिखा जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सॉरी इट इज नॉट एक्सियल पोजिशन, वेट अ सेकेंड आई रोट इट रॉन्ग, इट इज नॉट एक्सियल पोजिशन एज डाइपोल ऐसा है और ये पोजिशन ऐसी है, तो इट इज नॉट, इट इज इक्विटोरियल पोजिशन या ब्रॉड ऑन पोजिशन हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लिखनी चाहिए। यहां पर बी का वैल्यू हमें दिया हुआ है, बी का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, अगर मैं यहां पर से सीधे आर क्यूब को लिखूं तो लिखूंगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7 इंटू एम की वैल्यू दे रखी है 1.44 अपॉन बी का वैल्यू दे रखा है 18 माइक्रो टेस्ला, मतलब 18 इंटू 10 की पावर -6। अगर हम लोग इसको सोल्व करते हैं 10 की पावर -1 यहां पर बच जाना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 100, दिस विल कैंसिल आउट दिस बाय आई गेस 4, 4, 8 टाइम्स, सो इट इज नथिंग बट आई गेस 20 सेंटीमीटर इन द प्लेन बाई सेक्टिंग द डायपोल, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए।